हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करेंगे अपने कैमरे का पासवर्ड रीसेट करना, ठीक है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारे DVR में पासवर्ड लगा रहता है और कुछ टाइम बाद यूज़ नहीं करने के बाद हम लोग भूल जाते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका पासवर्ड रीसेट कैसे करें। उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरी देखना और वीडियो पसंद आए तो पता ही होगा क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो इक्विजन है DVR, ठीक है, स्क्रीन पर चलना है। और स्क्रीन पर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और कैमरा ऑन है, पासवर्ड लगा पड़ा है जो कि हमें पता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उस पासवर्ड को ही हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए देखो, मैं मैंने बता रहा हूँ कि पासवर्ड ले रहा नहीं है, ठीक है। अगर इनकरेक्ट अकाउंट इज लॉक प्लेस्ड आइकन 58 है, हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके बाद भी ये ले रहा नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको हम फॉरवर्ड कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जाके अपने सिस्टम की ओर जाना है, लैपटॉप हो या कंप्यूटर, ठीक है। अगर कंप्यूटर के पास कैमरा लगा हो, DVR लगा हो, तो आप उसकी मदद से कर सकते हो। अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप की मदद से कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की साइड। तो हम लैपटॉप पर आ चुके हैं। तो लैपटॉप में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है SMTP, इसको हमें क्या करना है, सिंपल गूगल पे सर्च करना है। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, गूगल पे सर्च करना है SADP इक्विजन टूल या फिर इक्विजन SADP टूल, ठीक है। दोनों में से कोई सी भी सर्च करोगे आप तो ये खुल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे आप तो हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने अभी नेट डिस्कनेक्ट कर दिया है जो कि पहले आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, जो कि मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको मैं आपको दिखा दूँगा डाउनलोड करने के लिए। मेरे पास मैंने डाउनलोड कर दिया है, ठीक है। डाउनलोड कर लिया मैं, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम में जाओगे, यहाँ पर जो टूल का नाम आ रहा है टूल है, ठीक है। इस टूल की मदद से आप इसको कर सकते हो। इसको क्या करना है, सिंपल इंस्टॉल कर लेना। आपसे डायरेक्शन लोकेशन वगैरह पूछेगा। इंस्टॉल करना तो हर किसी को नॉर्मल तरीके से आता है, कुछ नहीं करना होता, बस यस करना होता है, ठीक है। तो जैसे आप इसको ऑन कर लेते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देना इंटरनेट को। अगर वाईफाई से चल रहा हो तो वाईफाई से, लैन चल रहा हो तो लैन का हाथ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको डिस्कनेक्ट वाईफाई लगा रखा तो वाईफाई को डिस्कनेक्ट कैसे करना है बता देता हूँ आपको। नेटवर्क सेटिंग में जाना, कंप्यूटर पहले खोलते ही, उसके बाद जैसे ही ओपन होगा उसके बाद आपको यहाँ पर जाना चेंज अडेप्टर सेटिंग। चेंज अडेप्टर सेटिंग पर जैसे ही जाओगे उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपका आ रहा ऑप्शन वाईफाई का, ये डिसेबल कर रखा है मैंने ऑलरेडी। आपका इनेबल होगा तो आपको डिसेबल कर देना, ठीक है। डिसेबल करते ही अब आपको क्या करना है, सिंपल अपने DVR के पास जाना। DVR में एक लेन वायर लेनी पड़ेगी आपको, लेन वायर लगाना है। और दूसरी लेन वायर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेन वायर लगा दिए और लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, ये देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये हमने खोल रखा है SADP टूल। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ठीक है। टूल हमने ओपन कर लिया है लेकिन ये अभी शो नहीं कर रहा था, एक बार क्लोज कर लेंगे इसको कन्फर्म, देन उसके बाद दोबारा इसको क्लिक करके लॉन्च करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि इसका ये जो लैन वायर है ये ख़राब है। अब देखो, अब डिटेक्ट हो गया, दिक्कत कर रही है लैन वायर उसकी। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है, फॉरगेट पे क्लिक करना है। फॉरगेट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट मोड में एक्सपोर्ट ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके फाइल को सेव कर लेना। आपको फाइल वहाँ सेव करना है जहाँ पे आपको याद रहे। एक्सपोर्ट करना हमें डाउनलोड के अंदर या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे खाली हो, सिंपल सी ड्राइव में ही हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट और वेट करते हैं। यहाँ एक्सपोर्ट हो चुका है, अब जो एक्सपोर्ट हो चुका है सी ड्राइव के अंदर वो फटाफट इन्हें मेल कर देते हैं।
What we do here is go back. क्या लिखना है आप बता देता हूँ आपको, या प्लीज़ फॉरगेट माई DVR पासवर्ड, यही चीज़ लिखना है आपको, और लिखना फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। कंपोज में जाते हैं फिर से, इसके बाद सपोर्ट क्षमा equation.com, सब्जेक्ट में आपका फॉरगेट पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पर प्लीज़ फॉरगेट माई पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, तभी हमें मिल गया था, अभी आ चुका है हमारे पास, तो हम क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन किया, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना। उससे पहले आपको दिखा दूँ मैं कि टाइमिंग 7:55 और मैंने भेजा था 7:54 पर। अटैचमेंट आ चुकी है हमारे पास 1 मिनट के अंदर। अब उसको हमें क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है डाउनलोड पर। यहाँ पे करते हैं न्यू फोल्डर क्रिएट, उसके बाद न्यू फोल्डर के अंदर डाल लेते हैं, न्यू फोल्डर 3 में कर दिया सेव, ठीक है, ये हो गया सेव। अब हमें क्या करना है, स्पीड टूल पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट हमने कर ही रखा है, फॉरगेट पे क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है, फिर इसमें जाकर दोबारा क्लिक करना है, और उसके बाद हमारे पास न्यू फोल्डर 3 में हमने फाइल सेव कर रखी है, इस पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, बस सिंपल पासवर्ड डालते ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। पासवर्ड डाल दिया वगैरह पे कन्फर्म, यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुल। अब जो हमने पासवर्ड डाला है, यस राइट क्लिक किया, मेन्यू में गए, फॉरगेट पे गए, एडमिन का पासवर्ड जो है हमारे पास, तो हम डालते हैं जैसा कि हमने पासवर्ड डाल दिया था, करते हैं ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड खुल चुका है, वे कह रहा सेट अनलॉक पैटर्न। अब उसको पैटर्न मांग रहा है, तो हम पैटर्न डाल देते हैं जेड। तो ये पैटर्न हो चुका है, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे खुल चुका है कैमरा, मेन्यू आ चुका है। अब देख सकते हैं आप क्या रजिस्टर करते हैं, मैं दोबारा आपको दिखा दूँ मेन्यू में। तो गाइस दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने कैमरे का पासवर्ड रीसेट किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको सिंपल क्या करना है, तो आपने रीसेट कर लिया, अगर आपका हो गया और रीसेट, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही आपके लिए काम की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ 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 सपोर्ट जरूर लीजिए, आपका सपोर्ट से ही आगे की और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशन मिलती रहती है, इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।